आज शहर हैदराबाद के खुसूसन दरगाह यूसुफैन शरफैन में हमारी हाजिरी अपने स्टेट के अंदर जो कोरोना वायरस की वबा के फैलने पर खुसूसी दुआ का इत्तेमाम किया गया। हमारी अपील ये रही तमाम उम्मत मुस्लिमा से, खुसूसन तेलंगाना के हर फर्द से, कि वो लोग दुआ करें अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरे आलम दुनिया के लिए। और आज दरगाह यूसुफैन में खुसूसी दुआओं में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत की ख़ास तौर पे उनकी सेहत की हिफाजती के लिए, और KTR साहब जो इस अवा की बिल्कुल ही परवाह किए बगैर हमारे CM साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, KTR साहब जिस तरह से अवामी खिदमत कर रहे हैं, सजरकारी के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टरों के स्टेट के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों के लिए, खुसूसन MLAs के लिए, MPs के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करने के लिए आए। और खुसूसन इनमें जो बीमार है, खुसूसन डिप्टी स्पीकर साहब पद्मराव साहब और आली जनाब महमूद अली साहब, इनके साथ इनके फैमिलीज के साथ जो ये वबा में मुब्तला हुए हैं, हम इस बारगाह में ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुआओं में परवरदिगार असर पैदा करे और इन्हें सेहत दे। और खुसूसन ये किया जा रहा है कि तमाम स्टेट की खुशहाली के लिए, जो हमारा स्टेट सुनहरा तेलंगाना बनने के लिए जा रहा था, वैसे वक्त में ये आबा आई है। और ये बीमारी ख़ास तौर पे आलम में पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे हमारा स्टेट महफूज रहने के लिए इसी दुआ की गई। और हमारे फिर से और ख़ास तौर पर अवामुन्नास में रिस्क तकसीम करके हम इस वबा से बचने के लिए आली जनाब हमारे के चंद्रशेखर राव साहब की सेहत के लिए, हमारे ऐसे कोई हाथ नहीं है कि तेरे साथ न ढल सके, हमारे पाओ में उद्दम नहीं है कि तेरे साथ न ढल सके, हम गुनहगार है परवरदिगार, मगर फिर भी तेरे सरकार के सबसे में, खुसूसन सरकार दो आलम के सबसे में हमें बख्श दे परवरदिगार, हमें इस गुनाहों से बचा ले, इस आवाज से बचा ले, हमको हमारी औलादों को हमारे बाल औलाद को सबको अपने मन में रख। ईमान पर हम सबका खात्मा फरमा, इन्ना अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, परवरदिगार आलम तुझे बाहरगाह का वास्ता हमारे तेलंगाना में, खुसूसन जो आबा तेजी से फैल रही है, इसे रोकने के कोई ना कोई रास्ते फरमा परवरदिगार। परवरदिगार हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर आले जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की सेहत के लिए, खुसूसन KTR साहब की सेहत के लिए, और खुसूसन हमें जो बीमार है आली जनाब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब की सेहत के लिए, उनकी औलाद की सेहत के लिए, आली जनाब खास तौर पर पद्मराव साहब जो डिप्टी स्पीकर है उनकी उनकी औलाद की सेहत के लिए आज हम बारगाह में आए हैं परवरदिगार। तो हमें उन तमाम को जो अमान में रख, हमारे स्टेट को खुशहाल स्टेट परवरदिगार, किसी चीज़ को नजर ना लगे, हमारे स्टेट के सीनियर चीफ मिनिस्टर को जो अपने जो अमान में रख, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो खुशहाली हमारे तेलंगाना की है, ये सुनहरा तेलंगाना बनने में तो हमारी मदद करना परवरदिगार। इसी बारगाह के साथ, खुसूसी दुआ के साथ यहाँ पर हमारी ये अपील है कि हर मुसलमान अपनी गुनाहों से तौबा करे और स्टेट के लिए, खुसूसन मुल्क के लिए, पूरे आलम दुनिया के लिए, ये आबा की बीमारी के लिए, खुसूसन कोरोना वायरस के खत्म होने के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे साथ तमाम के तमाम बाबा आमीन करिए, परवरदिगार इस दुआ इस इसका खातिमा फरमा, जो भी इस बीमारी में मुलविस हुए हैं, खुसूसन इलाहल आमीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर मीर महमूद अली साहब और KTR साहब, KTR साहब डिप्टी स्पीकर साहब, जो भी बीमारी में मुलविस हुए इलाहल आमीन, उन सबको सेहत सेहत कामिला नसीब फरमा, सेहत की दौलत से मालामाल फरमा, सेहत कामिला शिफाए आजिला की दौलत नसीब फरमा। मौला जो भी तेरी बारगाह में दुआ की जा रही मौला, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला जो हमने बीमार है उन्हें शिफा, इन्ना इन्नका अंतस समीउ वल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब रहीम। इलाहल आमीन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य वसीले में जो तिलावत कुरान पढ़ा गया, उसको अपने बारगाह में कबूल फरमा, इलाहल आमीन। इस कलाम पाक के सत्य में हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे लना व रहमना व अफ अन्ना व अग्फिर लना व रहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन।
ربنا تقبل منا الفاتحة الرسل وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا